अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 12, इंग्लिश वर्कबुक, पेज नंबर 64, पजेसिव नाउन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद पजेसिव प्रोनाउन। आज हम पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग प्रोनाउंस शो पोजेशन, माइन, अवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। नोट, प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की रिप्लेसमेंट में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे माइन, अवर्स, इट्स, हीज, हर्स, देयर्स, योर्स, तो इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउन। दैट बुक इज़ नॉट योर्स, इट इज़ माइन। यहाँ पर हम ब्लैंक में लिखेंगे योर्स। आई गेव हर अ पेन, शी हैड लॉस्ट माइन। नंबर सी, माई नेबर्स हैव बॉट अ न्यू कार, इट इज़ हिज। वी गो टू दिस स्कूल, इट इज़ अवर्स। हम स्कूल जाते हैं वी के साथ अवर्स। ही इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, ही, एंड द बाइसिकल इज़ हीज। ही के साथ हमने प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हीज़ यूज़ किया। आई हैव लॉस्ट माई पेन, कैन आई हैव योर्स, कि मेरा पेन खो गया है तो मैं क्या आपका ले सकता हूँ, तो कैन आई हैव योर्स। ये आपने इसको फिल करना है। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे 65 पर। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन यूजिंग possessive pronouns. One is done for you. Those shoes belong to him, and these shoes are his. That house belong to them. That house is theirs. This book belongs to me. This book belongs to me. This book is mine. These gloves belong to us. These gloves are ours. And this table belongs to you. This table is yours. Students, ये आपने possessive nouns जो हैं यहाँ पे, उससे ये इनके answer जो है आपने वो solve किए हैं। इसको write करना है आपने साथ book पे। Write 5 sentences about your favorite singer. ये आपको homework task है। आपने अपने favorite singer के बारे में 5 sentences जो है वो write करने हैं। उसके बाद आप अपनी practice book पर आ जाएं। Page number 41. Story writing with the help of the pictures and clues. Write a story with the help of following pictures and clues. These are the pictures and these are the clues. Lion, bird, fresh water, tall giraffe, clever squirrel, a wonderful day, hippo, this is a hippo, cloudy, great news, clean water, elephant, spring, and zebra, and joy. These are the clue words. Let's start our story. One day in the spring season, all the animals were gathered near the stream of fresh water. All the birds flew with joy. A clever squirrel was eating a nut. It was a cloudy day. The hippo was in stream of clean water. The tall giraffe told them the great news of rainy weather. The elephant and the zebra sang happily with joy. It was a wonderful day. Students, this is a story making method. आप clues और pictures को देख के आप story बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी जो है खुद की choice की कोई story जो है वो खुद से made करके लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें कुछ add भी कर सकते हैं। खुद से story बनाने की कोशिश करें और फिर मुझे इनकी pictures भी forward कीजिएगा कि आपने किस तरह की story जो है वो आपने make की है। ये आपकी एक्टिविटी थी, आपने इसको जो है सॉल्व करना है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी फॉरवर्ड कर दूंगी और आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।